नहीं, अभी जो परिभाषा बघेल साहब दी जा रही है समाजवादी चुनाव के पहले से पहले की जाती ये है सवाल आपसे इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि आपने मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम किया है आप जानते हैं समाजवादी पार्टी किस विचारधारा पर काम करती है अभी जो नया एक बयान चल रहा है अब जो नई एक व्याख्या चल रही है वो ये चल रही है की ब्राह्मण वैश्य और राजपूत इनके अलावा क्षत्रिय इनके अलावा जो भी हैं वो शूद्र की श्रेणी में आते हैं तो अगर हमने शूद्र लिख दिया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं इसमें आपत्ति क्या हो रही है बीजेपी को बीजेपी को डर लग रहा है समाजवादी पार्टी ये कह रही है हा, हमें हा, हा, हम हमें लिखना चाहिए कि गर्व से कहें हम भारतीय क्योंकि अब भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है विकसित राष्ट्रों की तरफ जा रहा है राष्ट्रवाद लोगों के बीच में तुलसीदास जी के बारे में एक और जरा उनको बता दीजिएगा मौर्य जी को कि वो ढोल और गंवर और शुद्र और पशु नारी के खिलाफ तो क्या लिखेंगे वो तो ये तक कहते हैं कि आ, वो यहाँ तक कहते हैं कि संत और असंत दोनों के चरणों में बदना करते हुए एक चौपाई लिखते हैं कि बंदऊ संत असज्जन चरना दुखप्रद बीच कुछ बनना बिछरत एक प्राण हर ले मिलत एक दुख दारुण देयी पहला सब देख रहे हैं बंदों संत असज्जन चरणा संत और संत दोनों के चरणों में मैं वंदना करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो और उन्होंने स्वांता सुखाई के लिए रघुनाथ की गाथा को लिखा है तो ये मालूम एक कहानी से मैं बताना चाहता हूं कि वो तो वैसे तो तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी पर तेरी देखी तीन तैसी लेकिन एक अमेरिका के बहुत बड़े कवि रहते थे गॉड फ्रेश एक्से उन्होंने लिखा है कि छह अंधे लोग जो है एक हाथी को देखने जाते हैं तो एक अंधे ने पेट पर हाथ फेरा तो कहा हाथी नहीं है कुछ ये दीवार है दूसरे ने कान देखे तो पर हाथ गया तो कह रहा कि नहीं हाथी कुछ नहीं होता है वो एक पंखा होता है तीसरे के पैर हाथ में लगे तो उसने हाथी पेड़ होता है चौथे के अः हाथ में उसकी सूंड आई बोले हाथी नहीं है यह सांप तो है और पांचवें के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा हाथी एक रस्सी होती है ये अल्प ज्ञानी लोगों ने अल्प समय में अपने अनुसार जो व्याख्या की वो किसी हद तक सही थे लेकिन दीर्घ दृष्टि से वो सब गलत थे यही ही रामचरित मानस को लेके अः ये जिस प्रकार के अंत की व्याख्या अपने अनुसार दी है रामचरित मानस की आपको अलग कर लिया है उनका निजी बयान बता दिया है कह दिया है कि उनके निजी विचार हैं इससे पार्टी का कोई भी ताल्लुक नहीं है वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ अत्याचार होता है और बीजेपी इसमें हामी भरती है बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ होता है पिछला वर्ग के देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय हैं वो ओबीसी बल्कि एमबीसी से आते हैं बैकवर्ड एक अलग चीज है मोस्ट बैकवर्ड अलग चीज़ है मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आने वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है और आप वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों के खिलाफ है और जो एसी कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा था माइनॉरिटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा था महिला कमीशन को संवैधानिक दर्जा था लेकिन इतना बड़ा वर्ग जो 50 परसेंट से ऊपर है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था वो दंतहीन और शक्तिहीन था उसको मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दे करके उसको ताकतवर बनाया है यूजी और पी जी में नेट में इनमें सब में बैकवर्ड का सत्ताईस परसेंट आरक्षण करके उनके लिए डॉक्टर यू जी और पी जी में नवोदय विद्यालयों में सेंट्रल स्कूल में आरक्षण दे करके काम किया इसके बाद वो कहते हैं कि पिछड़ों के खिलाफ है इसके अलावा आप ये देखिएगा कि क्रीमी लेयर को बढ़ा करके एक बैकवर्ड के लिए और भी ज्यादा नौकरियों के रास्ते को खोलने का काम किया है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो तमाम चीजें आर्टिजन यूनिवर्सिटी एक बनाई गई है जिससे मिट्टी का बर्तन बनाने वाले प्रजापति को पाल काटने वाले सविता समाज के आदमी को लोहे का काम करने वाले लोहार को सोने का, का काम करने वाले सुआर को लकड़ी के काम करने वाले विश्वकर्मा को आर्टिजन यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे पढ़ के और एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्टों को बनाने का काम कर रहे हैं और आप पिछड़ों में अब ग्यारह लोग मिनिस्टर भारत सरकार में है यह राजनीतिक अंतोदय मोदी जी ने करने का काम किया मेरी जैसी जात के लोग जो आजादी के पचहत्तर साल में लुटियन जोन में नहीं आ पाए थे मंत्रालय में मंत्री बनाया है, तमाम समाज के महिलाओं को भी बनाया है एससी को भी बनाया है बैकवर्ड क्लास को तो बहुत बड़ी है कई राज्यों में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कई कार्यकाल हो गए वो पिछले वर्ग से आते हैं है? अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली विरोधी होती है तो हटा करके किसी को स्थापित कर सकती थी तो ये जो है ए एक मैंने कहा ना कि लोहिया ने कहा था कि चर्चा पर्चा खर्चा में रहना चाहिए लेकिन चर्चा में रहने का इस समाज को तोड़ने वाला तरीका हमारी एकता अखंडता को कमजोर करने वाला भाईचारा कमजोर करने वाले राजनीति के लिए ये चर्चा की जा रही है आपका कहना यह है एसपी सिंह बघेल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर